दमों के तहसील ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। जिले के प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत के द्वारा ध्वजारोहण किया था, परेड की सलामी ली थी। यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आई थी, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जाता है जब टेंट खुल रहा था तभी एक कर्मचारी को करंट लग गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। यह टेंट का कर्मचारी था जिसकी मौत हो गई, करंट लगने से मौत हुई थी। इस मामले को हमने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो काफ़ी संवेदनशील हैं, उनके द्वारा जहां दुख जताया गया, वहीं परिवार की मदद के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुदकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले में काफ़ी दुख जताया गया था। वहीं दमोह जिले के प्रभारी मंत्री को जब जानकारी दी गई तो उनके द्वारा जहां कर्मचारी की मौत के बाद दुख प्रकट किया, वहीं प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर चर्चा की गई और तत्काल परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जिसे तत्काल पूर्ण कर दिया गया। उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री के द्वारा 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने के साथ ही तत्काल परिवार को ये राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उनका भी ट्वीट सामने आया है। काफ़ी बड़ी घटना थी। दमोह के तहसील ग्राउंड पर मुख्य समारोह आयोजित था, जहाँ पर कलकत्ता के रहने वाले प्रशांत घोष नाम के एक मजदूर की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी। लगातार इस मामले को लेकर हमने खबर दिखाई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार की मदद की है। वहीं दमोह कलेक्टर की ओर से भी 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।